इस नौजवान की तस्वीर नू जरा गौर नाल वेखो। इसका नाम निखिल है, जिसनू इसकी मां ने लाडा नाल पालिया होना है, पर इसके ही दोस्त वालों इस नौजवान की जान की कीमत लगा दी गई। जी हाँ, कीमत लाई गई महज 2500 रुपए। इसनू बेरहमी दे नाल मौत दे घाट उतार दिता गया महज 2500 रुपए खातर। महज 2500 रुपए खातर इसनू दर्दनाक मौत दे दी गई, वह भी ऐसे दे दोस्त वालों। ते लोग उसकी मौत का तमाशा वेखते रहे, किसी ने मदद ना की, मूक दर्शक बने रहे इसकी मौत दे। पूरा मामला की है, कितों का है, वह भी दसांगे, पर पहला तुसी ऐ हैरान अते नाल ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीरां वेखो। तस्वीरां च साफ नजर आ रहा है कि किवें दो नौजवान अचानक लड़ पैंदे ने। इस दौरान मुलजम वालों निखिल नाम के इस नौजवान से किसी तेज तार चीज के नाल कई वार किए जाते हैं, तो वह जख्मी होकर जमीन पर डिग पैंदा है। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, पर उसकी जान बचाई ना जा सकी। तो जब यह सब कुछ हो रहा होंदा तो उत्थे 7-8 लोग भी मौजूद होंदे ने, जो कि सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठे ने। कोई भी इस लड़ाई को रोकने के लिए जां निखिल की मदद के लिए अगे ना आया। दस दिए कि यह मामला चंडीगढ़ के सैक्टर 32 की कलोनी का है, जिथे दो नौजवानों की दोस्ती ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया। दरअसल निखिल नाम के इस नौजवान ने अपने ही दोस्त को एक मोटरसाइकिल बेचा, पर बाइक खरीदने वाले नौजवान वालों 2500 रुपए बकाया रहिंदे सी। इसे लिए मृतक वालों बाइक के कुछ कागजात अपने कोल रख ले गए। इसे गल नूं लैके दोहां विचाले झगड़ा हो गया। मुलजम ने निखिल का कतल कर दिता, तो इस सारी वारदात उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरियां च भी कैद हो गई। इस वारदात तो बाद परिवार का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है। उसका लड़के का नाम अभी था, जिसने चाकू मारा है, तो मोटरसाइकिल बेचा था, उसने थोड़े पैसे लेने थे, उस करके उसके बाप बेटे ने दोनों ने वो मारा। कितनी उम्र थी आपके लड़के की? मेरे लड़के 18 साल उम्र थी। और कितने बजे की घटना है ये? 7:30 बजे के बीच में है। तो जिन लड़कों ने मारा था, क्या आप उन्हें जानते हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जानते हैं जी। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी तो कुछ कार्रवाई करने गए थे, उनके लड़का फरार है। वो लड़का फरार? हाँ जी। और इसमें आपके लड़के की जो है मृत्यु हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मुलजम की पहचान 20 साल अभी वजों हुई है, जो वारदात तो बाद फरार चल रहा है। उधर पुलिस ने मृतक के वारसा की शिकायत के आधार से मुलजम खिलाफ कतल दी धाराओं तहत मामला दर्ज कर लिया। मुलजम की भाल शुरू कर दी गई है। अपने जवान पुत की मौत तो बाद मृतक की मां अपना आपा खो बैठी। मुलजम खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, नाल ही अस्पताल के डॉक्टरों से भी कई इल्जाम लगा रही है। ये डॉक्टरों की लापरवाही से गया मेरा बेटा, ये डॉक्टरों की लापरवाही से मेरा बच्चा चला गया है। उसको बस केड़े डॉक्टर कहते कि डॉक्टर छुट्टी पे चला गया, उसको दिख नहीं रहा कि इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी केस आ रखा मेरे बेटे का, इनको डॉक्टरों को दिखा नहीं, कहते हैं कि डॉक्टर चला गया, छुट्टी होगी उसकी ऑफ हो गया। कौन सा डॉक्टर था? नहीं है ये डॉक्टर, ये जमजूत है, ये डॉक्टर नहीं है, ये जमजूत है। इस वारदात के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए ने। पहला सवाल के आखिर साडे नौजवानों नूं हुंदा की जा रहा, क्यों छोटी छोटी गल ते अपना आपा खो देंदे ने, किसी की जान लैण तक उतारू हो जाते हैं। दूजा सवाल उठता है उन्हां लोकां ते जो इस नौजवान की मौत का तमाशा वेखते रह गए। जेकर इन्हां 7-8 लोगों चो कोई एक भी मूक दर्शक ना बन के यह सब कुछ ना वेखता, मदद के लिए अगे आ जाता, इस लड़ाई को रोकने का यतन करता, तो शायद एक मां की कुख सुननी ना होंगी। PTC न्यूज़ ले चंडीगढ़ तो दलजीत सिंह की रिपोर्ट।